अभी गाइस इस मैच का जो भाई लास्ट जोन था उसमें बच रहे थे सिर्फ 3 बंदे और मैं अकेला। मतलब यहाँ पे मेरे 27 किल्स थे और मुझे इन 3 बंदों को मारना था। अब यार ये तो तुम्हें आगे ही पता लगेगा इस वाली वीडियो में कि भाई मैं इन 3 बंदों को मार पाता हूँ या नहीं। अगर मैंने इन 3 बंदों को मार दिया तो गाइस मेरे हो जाएंगे 30 किल्स, वरना मैं यही मर जाऊंगा। तो है गाइस स्वागत है तुम्हारा आज के एक और न्यू PUBG मोबाइल के आर वर्जन की गेम प्ले वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं भाई साहब सिवर्नी, और आज मतलब ये वाली लोबी तुम देख रहे हो ना भाई, बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी लोबी मिली है के आर वर्जन में, क्योंकि भाई वरना तो सीधा बोट ही बोट आ रहे थे, पर आज वाली लोबी में भाई तगड़े तगड़े बंदे आ रखे थे। तो सबसे पहले मुझे मिलती है ये M4, और तुम्हें पता होगा M4 अपनी फेवरेट गन है। अब चलो भाई, और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, ना हेलमेट चाहिए ना वेस्ट, कच्चा है मेरे पास, एक गंदी सी टी शर्ट। या कसम से कह रहा, मुझे अपने ग्लोबल वर्जन की आउटफिट्स की बहुत याद आ रही। तुम मुझे बताना तुम्हें आ रही है या नहीं। अरे यार एक बंदा तो मेरे से बच के ही निकल गया, अभी वो सामने वाले घर में गया था, मारेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा बंदे हैं तो पैनिक नहीं होना सबसे पहले। तो इस बंदे को मारती भाई फुल मजा आ गए थे, क्योंकि 6x मिल गया था इसके पास से और एक लेवल 2 हेलमेट। और ये दो बंदे भाई पागलों की तरह क्या कर रहे थे छत पे चढ़ के। अभी फिलहाल एक बंदा नीचे भी था। नीचे वाले बंदों को मारने से पहले भाई मैं साइड वाले कुछ बंदे खत्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट नीचे कूद गया भाई ये पेल देंगे। अरे बिल्ली सी कहाँ जा रही हो, सफेद से कलर की। ओ भाई चला गया यार ये बंदा, बच गया, मेरा हाथ अट गया खिड़की में। अब बारी थी यार कहीं ना कहीं पुश करने की, क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी देर नहीं रह सकता। और मैं खिड़की से कूदा और भाई सीधा इधर की तरफ गया, इधर तो बिल्ली गई भी, बिल्ली को नहीं मारूंगा, इसे मारूंगा। ये बंदा थोड़ा भाई डरा सहमा सा लग रहा है। वो चाची के लोंडे कहाँ बैठा भाई, ये अंदर बिल्कुल। गाइस सीरियसली यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से ये दो बंदे नोक करे। इनके पास से भी जरा एमो लेते हैं, क्योंकि भाई मेरी एमो खत्म होगी 5 की, और उजी बिठा लेता हूँ भाई। उजी एक बहुत तगड़ी गन है क्लोज रेंज में। अब यहाँ पे यार एक दिक्कत हो सकती थी मेरे साथ, साइड वाले बंदे अगर मेरे ऊपर पुश कर देते और थर्ड पार्टी कर देते ना, क्योंकि वे इनके ही टीम मेट है। पर भाई पता नहीं वे कौन से सस्ते नशे कर रहे थे भाई, उन्होंने मेरे ऊपर पुश नहीं करा, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एड लगाई। और अब बारी है भाई उन्हें मारने की। तो चलो DP उठा लेता हूँ मैं इसकी जगह स्कारेल की, क्योंकि DP की थोड़ी ज़्यादा एमो है यहाँ पे। अब फिलहाल मेरे पास है उजी, DP भाई, DP मैं स्प्रे के लिए यूज़ करूंगा, उजी कर लूंगा भाई क्लोज रेंज में यूज़, तो अपना मजा आ जाएगा। सबसे पहले से 3x में कर लेता हूँ, और हम जो है भाई बिल्कुल सामने से नहीं जाएंगे, इधर से थोड़ा फ्लैंक वगैरह मार के जाएंगे। अब ये रहा एक बंदा, तो भाई इसका किल चुरा लिया मैंने। अब यार वहाँ पे वाला बंदा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, क्योंकि मैंने उसका किल चुरा लिया, पर कोई नहीं, पीछे एक आया बोट। भाई साहब ये बंदा मुझे यार बोट लगा था कसम से, और भाई ये रियल बंदा था। अभी फिलहाल मैंने इसे मार दिया, और इसको मारने के बाद भाई मैंने इसकी आउटफिट ले ली, क्योंकि यार मैं नंगा नहीं घूम सकता भैया, बहुत सारा मावा है, ऐसे नंगे नंगे घूमना अच्छा नहीं होता भैया, नंगा हूँ पर नूब नहीं वाली चीज़ हर बार नहीं कर सकते हम। कपड़े पहन लिए मैंने, ठंड ठुंड लग जाएगी, वैसे भी जट डा रहा। अब यार वे दो बंदे बच रहे थे, वे मेरे ऊपर पुश भी नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं हीलिंग कर देता हूँ आराम से। और अब देखना वो बंदा क्या कर रहा था भाई, ओपन में लूट रहा। मैंने सोचा भाई ये दोनों टीममेट हैं, पर ये तो एक दूसरे के दुश्मन थे। अभी फिलहाल मैंने एक बंदे को मार देता, एक बंदा ऊपर बच रहा था, मैं फ्री फायर देता हूँ यार, वो पीक नहीं देता। अगर फ्री फायर में आ जाता ना तो मज़ा ही आ जाता, पर अभी उसने भाई पीक वगैरह भी नहीं दी थी। तो अब देखना इसे, मतलब इस बंदे को मैंने ऐसे पागल बना के मारा ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा वो देख के। अब ये जो बंदा था यार CDO पे ले रहा था भाई TP भी, यार मुझे मारना था इसे बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। अब भाई मैं यहाँ पे चढ़ा, और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि यार अब हम यहाँ से नहीं चढ़ सकते, तो मेरा बंदा यहाँ से चढ़ा नहीं, वो आया मुझे यहाँ पे देखने, और भाई मैंने एकदम तुरंत पुश कर दिया उस पर। मेरे हिसाब से इस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि बेचारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से TP भी ले रहा था, पर मैं गेट से चढ़ा, इसने सोचा कि यार मतलब ये मुझे गेट से चढ़ते चढ़ते को मार देगा, पर भाई मैं स्कैम कर दिया मैंने इसके साथ। अभी सामने कुछ बंदे थे भाई, ये शक्तिमान की तरह कूदा और मैंने इसके बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था। अब बारी थी इसे मारने की, पर मैंने सोचा यार ये अकेला होगा, पर भाई इसके तो 2-3 टीममेट भी थे यहाँ।
अब बेटी चोत मतलब समझ नहीं आ रहा था यार, किसे मारूं, पहले भाई दिख भी नहीं रहे थे और ना ही ये बंदे पुश कर रहे थे, तो थोड़ी देर मैंने वेट करा। भाई पेशेंस रखो अपने अंदर, पबजी मोबाइल में सबसे बड़ी चीज़ है। अब भाई मुझे क्या था, मैं तो यहाँ पे भाई बिल्कुल छम्मक छल्लो की तरह घूमता फिर रहा था, मुझे कुछ लेना देना नहीं था, मुझे पता था ये बंदों के खा जोगी भाई खुद ही पुश करेंगे। और वही इन्होंने करा, मुझे पता था भाई मैं तो यहीं पे बैठा रहूँगा, अब हिलने का भी नहीं, यहाँ से टीपी पी लूँगा। भाई टीपी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है, तुम्हें बहुत ज़्यादा जगह बचाएगी। अब एक बंदा मेरे सामने है, एक बंदा उधर है शेख के पास, दो बंदे तो मुझे दिखे हुए हैं भाई, विजिबल है पूरे तरीके से। अब मारेंगे यार इन्हें, पर ये बड़ी सी दीवार है मेरे आगे, अगर मैं क्रॉस करने की कोशिश करूँगा ना तो बहुत गंदा पहला जाऊँगा। अब मैं तुम्हें सच कह रहा भाई, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से हिलूंगा ही नहीं, बस जब तक वो बंदा उसे रिवाइव देने नहीं आता, जैसे रिवाइव देने आएगा भाई दोनों को भर दूंगा। पर मुझे ये चीज़ देखनी होगी, अभी ये सामने वाला बंदा मेरे ऊपर पहले पुश करेगा या इधर घर वाला। भाई एक बंदे ने तो मोली ही कर दी मेरे पीछे। गाइस अब मैंने यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया था, अब बारी थी भाई स्मोक वाले बंदों की। अब मैं स्मोक से निकला और पेल दिया इनको भी, तो होप से तुम्हें अली चीज़ पसंद आई होगी। अब भाई यहाँ से बारी थी सिवरने से निकलने की, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत तबाही मचा दी और एक ये बोट भी आ गया, इसे भी मार दूँ सबसे पहले। भाई बोट मारना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वरना केडी नहीं बढ़ेगी। अभी इनका एक बंदा बच रहा, तो यार सारे बंदे नोके हैं, कहाँ पे गए ये रहा है, यो भी बोट था भाई, कहाँ पे है यार इनका एक बंदा। आई थिंक सो गाइस वो सामने वाली सी बिल्डिंग में है, और देखना बस इसे भी कैसे मारूंगा मैं, ये मेरा बोट का किल चुराने की कोशिश करेगा। इसी के साथ यहाँ पे इनकी पूरी टीम मर जाती है, और भाई सारे बंदे खत्म हो गए। ये बोट कहाँ जा रहा है, इसे भी पूरा का पूरा फिनिश कर दूँ, सबको मार दिया भाई। पता नहीं यार आधे बंदे तो नोक ही पड़े थे यहाँ पे। चलो पूरा का पूरा भाई सेवरनी अभी मैंने अकेले ने क्लियर कर दिया, तुमने देखा होगा कितने गंदे तरीके से बंदे मारे हमने यहाँ पे। अब भाई मैं ये 3 सीटर ढा लेता हूँ, वैसे बार बार पलटता है, पर अच्छा है कोई नहीं, ले चलेंगे इसे। और 3 सीटर चेंज करने के बाद मुझे ये मिलती है एक यूएस। अब यूएस उठा के मारता हूँ अपनी फेवरेट जगह रोजोक पे, और यहाँ पे एक बंदा मुझे ओपन में भगता हुआ दिखता है। भैया देखना बस कैसे स्प्रे दूँ वैसे भी। ये करा मैंने इस बंदे को नोक, अब बारी थी भाई इसे पूरा का पूरा फिनिश करने की, जो कि मैं वहां पे जाके कर ही दूंगा। पर किसी ने नहीं सोचा था भाई इसकी मौत इतनी ज़्यादा बुरी होगी, मतलब मैं इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे इस बंदे को मार देता, इसके टीममेट्स वगैरह भी नहीं थे, तो मैं यहाँ से एक बोट मार के और चलता बनता हूँ यहाँ पे। और गाइस लास्ट वाला जोन देखना भाई बिल्कुल भी मत भूलना इस वाली वीडियो का, क्योंकि इस वाली वीडियो में जो लास्ट के जोन में हुआ ना भाई, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी। वैसे खतरनाक इस वीडियो का लास्ट वाला जोन भी है, अभी फिलहाल मेरे हो चुके थे 18 किल्स और भाई मैं ऊपर में ऐसे ही भगता फिर रहा था। यहाँ पे मुझे एक क्लॉक टावर में बंदा बैठा हुआ दिखता है, यहाँ पे मैंने इस रोकी नाम के बंदे को नोक तो कर दिया था, पर अब बारी थी भाई साहब इसे ट्रोल करने की। मैं गया सीधा इस वाले घर में, मैंने गेट बंद करा, ऑल पे माइक करा, और मैंने सोचा कि यार ये कुछ बोलेगा, पर भाई ये कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे भाई अपने कपड़े कुपड़े तार दिए, मैंने सोचा इसके साथ गुलू लुलू कर दूंगा। इसके पास मैंने अपने कपड़े छोड़ दिए, मैंने सोचा कि भैया अपने कपड़े उठा लिए तू, मतलब मेरे कपड़े पहन के घूम, तू थोड़ा सा अमीर लगेगा। पर फिर मुझे याद आया यार ये तो नोक है, ये मेरे कपड़े पहन ही नहीं सकता। मैंने यहाँ पे एक नेट कुक करा, यहाँ पे फेंका, गेट खोला, मैंने दोबारा गेट बंद कर दिया, और बूम बाम देखना कैसे मरेगा ये। ए मरा भाई, नहीं इतनी बुरी मौत किसी को नहीं देनी चाहिए, इस चीज़ के लिए सजा भी हो सकती है भैया हमें। पर कोई नहीं यार, मार दिया था इस बंदे को, गेम ही है। अब चलो यार कहीं और चलते हैं भाई, बंदे मिल ही नहीं रहे। अब बहुत देर ढूंढने के बाद भाई एक बंदा मुझे यहाँ पे मिलता है ओपन में, इसके ऊपर मैंने जैसे ही गाड़ी चढ़ाई और ये नोक हो चुका था। अब इसको कोई टीममेट भी नहीं दिख रहा था आसपास, शायद से भाई ये यहाँ पे बॉस को मारने आया होगा जो कि पबजी मोबाइल में है, तो सबसे पहले से पूरा फिनिश कर देता हूँ। मुझे इस बंदे से यार बहुत ज़्यादा ही उम्मीद थी, मैंने सोचा कि इसके पास मुझे कुछ अच्छी सी लूट मिलेगी, पर जब मैं इसकी क्रेट खोलता हूँ भाई मुझे कुछ ऐसा दिखता है, घंटा भी कुछ नहीं था इस पे। तो अब फिलहाल चलो इस बंदे को मारने का एक फ़ायदा हुआ, मुझे सामने एक गाड़ी दिखती है, और भाई ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे। अब मैं पढ़ के देखता हूँ भाई, स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, पर वो बंदा दीवार के पीछे चला गया था, हर बारी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो भाई साहब, इतनी लहंडी किस्मत किसकी हो, मतलब मैं यहाँ पे इस बंदे को मारने के लिए रुका और भाई वो दीवार के पीछे चला गया। अब बारी थी स्प्रे देने की, मैं सोच रहा था यार गाड़ी में आके बैठेगा, पर भाई इतना इंतजार कौन करे। मैंने गाड़ी उठाई और पुश करा सबसे पहले इस बंदे पे, और देखना भाई साला कैंपर सैग में घुस के बैठ गया।
यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी गाड़ी ठोकी और इधर की साइड आया, दिख नहीं रहा था कहीं को, पर अब पता लग गया था भाई शैग में, क्योंकि उधर से ही फुटप्रिंट आ रहे थे, अगर इधर होता तो भाई दिख ही जाता। अब मैंने शैग में एक नेट फेंका रैंडमली और बूम, तो अगर तुम्हें यह सीन पसंद आया हो तो इस वाले वीडियो पर लाइक कर देना, और अगर तुम नए हो इस वाले यूट्यूब चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपने 21 किल हो चुके हैं और 30 किल का टारगेट है आज, वो तो हम कंप्लीट कर ही देंगे। और यहाँ से एक गाड़ी जाती है, दो बंदों को मैंने स्प्रे दिया भाई, किसी को निकाल नहीं पाया मैं इस गाड़ी में से बाहर। अब यार मुझे ये तो पता था कि भाई अगर मैंने इन बंदों से इतनी खुशकी ली है ना, तो ये बंदे भी भाई जाने वाले तो नहीं है। अब यहाँ पे ये तो कन्फर्म था कि भाई वो बंदे रुके होंगे, तो सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी उठाई और इससे पहले वो मुझे मारे मैं उन्हें ख़त्म कर देता हूँ जाके। आई थिंक सो गए तो थे भाई वो यहीं कोई, और वो दिखे सामने भाई लेटे पड़े ये तो। भाई साहब ये जानू वानू नाम के बेबी जानू थारी जात का भैया आशिक हो रहे, रुक जाओ अभी बता रहा तुम्हें भाई कैसे कैसे नाम रख रखे इन बंदों ने। अब यार वो बंदा भाई मेरे सामने घास में लेट गया था, मेरे पास था एक ग्रेनेड, भाई मैं नहीं जाऊंगा यार, सांप पता तुम्हें सांप कितने डेंजर होते हैं, मैं ऐसे ही ग्रेनेड फेंक के मार दूंगा इस बंदे को, पर सामने नहीं जाऊंगा। जहरीला सांप था, देख रहे नाम में भी भाई साहब, इसका नाम क्या था, जानू जहर। ओ भाई मतलब यार क्या ही डुओ बना के खेल रहे थे ये दो लोंडे लोंडी, पता नहीं भाई क्या बाबू सोना जानू लोड़ा लसन कुछ भी यार छोड़ो। अब यहाँ पे तो भाई मैं अपनी बग्गी उठा के अकेला ऐसे ही मजे में घूम रहा था, एक बंदा भाई बाइक पर घूम रहा, वाह बहुत बढ़िया बेटे रुक जा, अब इसे मारना था मुझे बाइक वाले को, पर मैं इसका पीछा करते करते पता नहीं कहाँ ही निकल गया, बहुत सारे बंदे मिले वहाँ पे मुझे। एक तो मैं खेल रहा था यार सोलो वर्सेस स्क्वाड, और भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में कसम से बहुत ज़्यादा फटे, अभी फिलहाल मेरे किल भी अच्छे खासे उड़ते, 23 किल उड़ते, अब बंदे मुझे दिखते हैं यहाँ पे, मैं हॉर्न बजाए जा रहा था और दो बंदे आए मेरे पीछे ये, अब देखना इन्हें कैसे मार रहा हूँ, सालों बग्गी में घूम रहे मजे से। भाई साहब मोनू नोनू बंदे पेल दिए, अभी एक बंदा सामने है इसे भी मैंने नॉक कर दिया, अब बारी थी भाई इनके लास्ट बंदे की, पहले से फिनिश कर दूं कभी ही रिवाइव हो जाए। बेटा कहाँ जा रहे, रिवाइव नहीं होने दूंगा भाई मैं किसी भी बंदे को। अब वहाँ पे एक बंदा था, सबसे पहले इसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ वरना भाग जाएगा ये। चलो फिलहाल यार उसकी गाड़ी तो फूट चुकी है, अपनी गाड़ी उठाते हैं और भाई चलते हैं उसकी तरफ, क्योंकि अगर भाई वो भाग गया ना तो गलत सीन हो जाएंगे मेरे साथ, और दिख तो ना ना इधर से, ना ना इधर से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। चलो गाड़ी में बैठता हूँ और चलता हूँ उधर की तरफ। अब यार ये बंदे के पास गिली सूट था, मैंने ऊपर से देख लिया था, मैंने सोचा कि यार इसके पास मतलब खतरनाक सी गन भी होगी, खतरनाक गन भी थी, पर बंदा बेटी चोत था, मतलब कुछ करना ही नहीं आया इस पे। तो मैं यहाँ पे इस चट्टान सी पे चढ़ा, सामने मेरे बंदा पड़ा था, इजीली मार दिया। अभी जो है जैसे ही मैंने इस बंदे को मारा, यहाँ पे भाई साइड से भी कुछ बंदे फायर करते हैं, तो सबसे पहले इससे लूट लेता हूँ मैं, कुछ ढंग का सा मिल जाना चाहिए। इस बंदे से मुझे कुछ ढंग का नहीं मिलता भाई, मुझे नहीं चाहिए M249, मैं M4 में ही खुश हूँ। ये वही बंदा था जिसने भी साइड से फायर दिया था, फिलहाल मैं इसे नॉक कर देता हूँ और इसे पूरा फिनिश कर देता हूँ, वरना भाई इसका टीममेट आके बचा लेंगे और मुझे फिर 1v4 करना पड़ेगा, अभी 1v3 करना पड़ेगा बस मुझे। अब यहाँ पे ये था लास्ट जोन भाई, बिल्कुल लास्ट जोन, मतलब 30 किल्स करने थे तो भाई मुझे तीन बंदे मारने थे पूरे के पूरे, और वो तीन बंदे मेरे पीछे लग चुके थे। अब देखना तुम मैंने यहाँ पे इन तीन बंदों को कैसे भरा।
तो होप सो गाइस तुम्हें आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वाले वीडियो पे लाइक कर देना, नहीं हो तुम इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे